देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एमटीडीए के कार्यों की समीक्षा की और इस दौरान मंत्री ने शहर में बन रहे अवैध भवनों को पूरी तरह से ध्वस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार करने को भी कहा। मंत्री ने कहा कि अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। ये भी निर्देश दिए हैं कि अवैध निर्माण को सील करके कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति न करें। ऋषिकेश में हुए अवैध निर्माण की विस्तृत जानकारी 2 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जिन नक्शों में आपत्तियां पाई गई हैं उन्हें एक बार फिर से निस्तारित किया जाए। अगर नक्शे अधिक मात्रा में पास होंगे तो राज्य सरकार को राजस्व के रूप में इसका फायदा होगा। अवैध भवनों को ध्वस्त करने के निर्देश, अधिकारी कार्यशैली में लाए सुधार, ये बात खुद मंत्री ने कही। अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर सुधार लाने की बात कही गई। अवैध भवनों को ध्वस्त करने के भी निर्देश दिए गए। जितने भी अवैध भवन हैं उनको ध्वस्त किया जाए। एमडीडीए के कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। देखिए, जो मेरे विभाग से संबंधित एमडीडीए जो जिसे मसूरी विकास अंधेरा विकास प्राधिकरण कहते हैं, उसके आज मैंने बैठक ली है और समीक्षा की है कि किस प्रकार से हम लोग आवासीय नक्शे हैं, व्यावसायिक नक्शे हैं, कब उनको हम कैसे पास करते हैं, ये सारी बातचीत की है। और साथ में जो आवासीय नक्शे उसको 15 दिन में पास करने का प्रावधान हमारे द्वारा निर्देशित किया गया और व्यवसाय के लिए 30 दिन का है अंदर पास होने का। लेकिन उसमें साथ में एक बात भी मेरे द्वारा कही गई है कि जो नक्शे पास होंगे और जो नक्शा पास होने के लिए आएगा उसमें जो भी कोई क्वेरी लगानी है, ऑब्जेक्शन लगाना है, जिस नाते प्राधिकरण उस चीज़ के लिए संतुष्ट नहीं है, तो वो एक ही बार लगेगा ताकि हम 15 दिन के अंदर उनको उनका नक्शा पास करें या उसका रिजेक्ट करें।